आए चलें गोटकी के कच्चे में। ये वो एपीसी चैन गाड़ियां हैं जो घोटकी पुलिस समेत सिंध पुलिस के जवानों को ऑपरेशन के लिए मिली हुई हैं। मगर ये गाड़ियां इतनी कमजोर हैं कि डकैतों के पास एंटी टैंक गन्स हैं, एंटी एयरक्राफ्ट गन है, उनके होते हुए ये गाड़ियां इनमें सुराख हो जाते हैं, इनमें धमाके हो जाते हैं। इसलिए जो माहिर हैं या हम हैं या आवाम है, सिर्फ इसी चीज का मुतालबा करते हैं कि घोटकी पुलिस समेत पूरी सिंध पुलिस को टैंक दिए जाएं, मिलिट्री टैंक दिए जाएं या खालिद टैंक, दो दो खालिद टैंक, सिर्फ हर डिस्ट्रिक्ट में दो दो खालिद टैंक दिए जाएं ताकि ऑपरेशनों को कामयाब बनाकर डाकुओं का खात्मा किया जाए। उसके अलावा जो हमारे जवान इनमें शहीद हो रहे हैं उससे बच सकें। ये वही टैंक है जिसपे गोला लगा था या रॉकेट लॉन्चर लगा था, ये बिल्कुल टूटा हुआ है। यहाँ इसमें बहुत सारे इस एपीसी चैन में बहुत सारे जवान शहीद हुए थे। अगर ऐसे गैर मयारी चैन गाड़ियां होंगी तो डाकुओं पर काबू पाना नामुमकिन होगा और हमारे जवानों की इसी तरह शहादतें होती रहेंगी। ये कच्चे का एरिया है, यहां पर डाकुओं की इजाजत के बिना किसी में कोई मजाल नहीं अंदर जाने की। मगर पुलिस की अगर घोटकी पुलिस के जवानों की हौसला अफजाई की जाए, उनको मार्टर गोले और ये खालिद टैंक दिए जाएं, उनको मराते दी जाएं, उनको छुट्टियां दी जाएं, उनको अलाउंस अगर दी जाएं, तो ये नोगो एरिया कभी नहीं नोगो एरिया रहेगा और यहाँ आम लोगों का पहुंच रहेगा। हमने आपको कच्चे की विजिट करवाई, बंद पिकटों का दौरा करवाया, अफिसरान जवानों से मिलवाया और ये जो जवान खड़े हैं अपनों घरों से दूर, सैकड़ों किलोमीटर दूर कच्चे के इलाके में अपनी जान की बाजी लगाकर हमारी हिफाजत कर रहे हैं। मैं इन भाइयों को दिल से सलाम पेश करता हूं। इंशाल्लाह दूसरे प्रोग्राम में फिर हाजिर होंगे। शुक्रिया।